दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने Redmi Note 10 या फिर Redmi Note 10 Pro मोबाइल में आप बैक बटन को चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपके मोबाइल में बैक बटन जो है लेफ़्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, तो आप उसको जो है दूसरी तरफ कर सकते हो। यानी कि आप बैक बटन की लोकेशन जो होती है उसको चेंज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग का। यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा हुआ है एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले। यहाँ पर देख पा रहे हो फुल स्क्रीन डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बटन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप बटन वाले पर रखोगे तो यहाँ पर बटन आपकी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो आप मिरर बटन्स लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिरर बटन वाला ऑप्शन जो आपका इनेबल है उसको अगर आप यहाँ पर डिसेबल कर दोगे तो आपकी बैक बटन जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और इसको अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपकी बैक बटन जो है वो राइट साइड में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपनी बैक बटन को चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको Redmi Note 10 से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर नए नए अपडेट के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।